हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू सीरीज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी पढ़ी, अब है सतत श्रेणी। सतत श्रेणी या फिर आप इसको अखंडित श्रेणी भी बोल सकते हो। अखंडित श्रेणी, सतत श्रेणी, इसको कंटिन्यू सीरीज बोलेंगे। कंटिन्यूस सीरीज, देखो इसकी भी दो रीतियां हैं। कंटिन्यूस सीरीज जो है सतत या नियमित जो श्रेणी है, इसकी भी दो रीतियां हैं। इसकी तीन रीतियां होंगी। फर्स्ट, प्रत्यक्ष रीति। दूसरी है लघु रीति। और तीसरी है पद या पग, कुछ ही बोल दीजिए, पग विचलन रीति। पग विचलन रीति, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पग विचलन रीति। देखो प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड, ये शॉर्टकट मेथड, और ये स्टेप डेविएशन मेथड। ये क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीसरी मेथड है, स्टेप डेविएशन मेथड। प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति, इसके वही सूत्र रहेंगे जो आपने पीछे खंडित श्रेणी में पढ़े थे। इससे पहले देखो, अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी कहते किसे हैं, कौन सी होती है? ऐसी श्रेणी जिसके अंदर वर्गांतर, मूल्य वर्गांतर के रूप में दी हो और आवृत्ति दी हो। देखो खंडित श्रेणी जो इससे पीछे हमने पढ़ी थी, उसमें भी मूल्य दिए हुए थे, लेकिन सीधे मूल्य थे, 10, 20, 30 या 2, 4, 5 कुछ भी दिया हो तो मूल्य के साथ में आवृत्ति थी। अपने खंडित श्रेणी के अंदर उसके अंदर वर्गांतर नहीं था। जब आपको मूल्य वर्गांतर के रूप में दिया हो, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन दिया हो जिसके अंदर आपको वर्गांतर दियो, 5 का अंतर दिया हो, 10 का दिया हो, असमानांतर भी हो सकते हैं ये, और वर्गांतर के साथ में फिर फ्रीक्वेंसी दी हो, तो उसको हम कौन सी श्रेणी कहते हैं? सतत श्रेणी कहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 40 से 50, ये क्वेश्चन है, इसमें आवृत्ति 3, 5, 7, 3, 2 ये है मान लीजिए। तो देखो इसको सतत श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि कहीं भी हमारा मूल्य जो है वो छूट नहीं रहा। अगर यहाँ हमारा सीधा क्वेश्चन इतना होता, 10 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, 20 वाले 5 हैं, तो इसका मतलब फिर हमारी सीरीज छूट रही है, खंडित थी वो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 0 से 10, 10 से 20 कोई मूल्य बीच में नहीं छूट रहा, 0 से लेकर 50 तक सब मूल्य इसमें शामिल है, हमारी सीरीज जो है वो नियमित चल रही है। अगर इसकी जगह ऐसे होता 10, 20, 30, 40, 50, तो ये सीरीज हमारी कौन सी हो जाती? ये मूल्य इस रूप में दिए होते तो खंडित हो जाती, क्योंकि इसमें हमारे बीच वाले मूल्य जो मिसिंग है, इसमें सीरीज हमारी टूट रही है, बीच में खंडित हो रही है। लेकिन जब वर्गांतर दिए होते हैं तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए इसको कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं, इसको सतत श्रेणी कहते हैं, नियमित चलती रहती है। देखो हम कोई एक उदाहरण करते हैं, ये तीन रीतियां हैं, उसमें सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति। देखो प्रत्यक्ष रीति का भी वही फॉर्मूला है जो खंडित श्रेणी में हमने किया था, एक्स बार ए एक्स प्लस स्मेशन एफ एक्स अपॉन एन। इसमें क्या है? ए एक्स प्लस स्मेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, और यहां ए एक्स प्लस स्मेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। तीन सूत्र है इसके अंदर। देखो प्रत्यक्ष रीति का वही जो खंडित श्रेणी में किया था हमने, लघु रीति का वही सूत्र रहेगा जो हमने खंडित श्रेणी में किया, एक पद विचलन रीति हो रहा है इसमें, तो ये लगभग लघु रीति जैसा ही सूत्र है, लेकिन इसमें इंटू आई रहेगा क्योंकि हमने डी डैश लिखा है। डी डैश जब आप यहां विचलन लेते हो तो आई का हम भाग देते हैं, और यहां हम जब विचलन लेते हैं तो सीधा एक्स में से एक्स कटाते हैं, अपॉन आई नहीं करते। आई क्या चीज है? वर्ग का अंतर कितना है। तो यहां विचलन लेते समय इसमें हमने डी एक्स जो है एक्स में से ए एक्स इस तरह से याद किया, लेकिन यहां डी डैश एक्स जो है एक्स में से ए एक्स कटाने के बाद में आई का भाग भी दिया है। तो प्रत्येक डेविएशन याद करते समय हम अपॉन आई करते हैं, इसीलिए इस फॉर्मूले में हम इंटू आई करते हैं। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना। तो यहाँ बाकी सब वही चीजें, ए एक्स कल्पित माध्य माना गया माध्य, अपने एन क्या चीजें वही आवृत्तियों का योग है, डेविएशन उसी तरह से याद करना है, लेकिन अपॉन आई करना पड़ेगा इसमें।
तो ये तीन रीतियां हैं, हम सबसे पहले प्रत्यक्ष रीति का क्वेश्चन करते हैं। तो देखो इसके अंदर एक उदाहरण लेते हैं, जैसे यहां एक उदाहरण दिया है, निम्नलिखित तालिका में कक्षा 10 के विद्यार्थियों द्वारा किसी एक विषय में जैसे अंग्रेजी विषय के अंदर निम्न अंक प्राप्त किए गए, तो अंग्रेजी विषय के क्या अंक है प्राप्तांक, और वो विद्यार्थी जो है उनकी संख्या कितनी है वो देखिए, विद्यार्थियों की संख्या। तो इसमें देखिए प्राप्तांक जो दे रखे हैं इसके अंदर वो है 0 से 10, ये लास्ट 40 से 50 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं 20, ये है 24, इसी तरह से आगे 40, 36, 20, 40, 36 और 20, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछे कि आप समांतरवादी याद कीजिए, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ कि किस रीति से करना है, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को चाहे प्रत्यक्ष रीति से करो या लघु रीति से करो या पग विचलन रीति से कीजिए, तीनों से आंसर एक ही आ रहा है। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप किसी भी रीति से कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि रीति स्पेशल नाम से पूछ लेते हैं कि इस श्रेणी में आप पग विचलन रीति से करो, लघु रीति से करो या प्रत्यक्ष रीति से करो, इसलिए हमें सभी रीतियां आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष रीति से करते हैं। तो वो खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी के अंदर जो ये स्थित श्रेणी है, इसमें एक मुख्य अंतर ये था कि उसमें सीधा मूल्य दिया जाता है, इसमें वर्णांतर होते हैं। आप जब इस सूत्र का प्रयोग करोगे स्मेशन एफ एक्स अपॉन एन, तो उसमें तो जो मूल्य थे वो एक्स था, लेकिन यहाँ मूल्य कोई एक नहीं दिया हुआ, एक पूरा वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, तो 0 से 10 के बीच में तो बहुत से मूल्य हैं, एक भी आ गया, 2, 3, 4, ये अपने 1 से लेकर 10 तक आ गए सारे। तो इसमें हमारा एक्स कौन सा होगा ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस श्रेणी का मध्य मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, मिड वैल्यू ज्ञात करेंगे, मध्य मान। मध्य मान क्या है, मिड वैल्यू क्या है। अब जो मिड वैल्यू है उसको एक्स मान लीजिए, या फिर आप इसको एम भी मान सकते हो, ये ध्यान में रखना, एम भी मान सकते हो इसको। इस मिड वैल्यू को हम एक्स मान लेते हैं। तो वो 0 और 10 का मध्यमान कितना है 5। ज्ञात करने का तरीका ये है, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दीजिए और बटा में 2 कर दीजिए, यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा, L1 + L2/2, इस तरह से। तो L1 कितना है 0 + L2 कितना है 10, ये माइनस नहीं है, ये से है 0 से 10, तो 0 + 10/2, 10 में 2 का भाग दिया कितना है 5, वैसे ही पता चल रहा है कि इसका मध्यमान कितना है। तो मिड वैल्यू यहाँ 5, यहाँ मिड वैल्यू कितनी है 15, यहाँ मिड वैल्यू कितनी है 25, यहाँ मिड वैल्यू कितनी है 35, यहाँ कितनी है 45। इस तरह से हमने ये मध्यमान ज्ञात किया, इसको x मान लीजिए या फिर m भी मान सकते हो आप। इसके बाद में अब देखो ये श्रेणी हमारी कौन सी बन गई, ये x है, ये f है, वही श्रेणी बन गई जो खंडित थी। खंडित श्रेणी में ऐसे दिया होता है, एक x होता है, एक f होता है। तो अब आप उसी तरीके से करना है जैसे हमने खंडित श्रेणी में क्वेश्चन किया था। तो दोनों को गुणा कीजिए, f को x से गुणा कीजिए, या आप m भी मान सकते हो, एम भी मान सकते हो, इस तरह से एफ एम भी लिख सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो स्मेशन एफ एम अपॉन स्मेशन एफ, ये भी फॉर्मूला हो सकता है, एक्स माना है तो एक्स लिख दीजिए आप। तो इस तरह से अब इसको करेंगे हम, मिड वैल्यू कितनी है 5, उसको उसकी संबंधित आवृत्ति से गुणा कीजिए 100, 20 = 100। इसी तरह से आप 24 को 15 से गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 360, 360 आ गया, ये कितना है 25, 100, 1000 आ गया, 1000, ठीक है। इसी तरह से 35 को 36 से गुणा कीजिए, इनका गुणनफल आएगा ये 1260 और ये है 900, इसको गुणा कर लीजिए आप। तो इसमें देखो पहला गुणनफल 100, फिर 360, 1000, 1260 और 900, ये गुणनफल है इसका। तो f को हमने x से गुणा किया, गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, इसका योग करना है, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा, हम कौन सी रीति कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रीति, प्रत्यक्ष रीति कर रहे हैं सबसे पहले हम।
प्रत्यक्ष रीति का फॉर्मूला वही जो खंडित श्रेणी में था, समेशन एफएक्स अपॉन एन, एन आवृत्तियों का योग है इसमें। तो एफएक्स का योग कितना होगा, एफएक्स का योग इनका योग कर लीजिए जितना भी इसका टोटल बने, और आवृत्तियों का योग समेशन एफ, या आप इसको एन भी बोल सकते हो, एक ही बात है, समेशन एफ लिख दो, एन लिख दीजिए, इन आवृत्तियों का योग आएगा 140, और इसका योग बनेगा 3620। योग करके देख लेना, 3620 योग आएगा इसमें। तो इस तरह से हमें क्या करना है, उसी तरह से जो हमने पीछे क्वेश्चन किया, योग कर लेना है एफ एक्स का, फिर इनके मान रख दीजिए। तो समेशन एफ एक्स का मान कितना है 3620, इसमें 140 का भाग दीजिए, एक्स बार का हमारा मान जो है, ये भाग देने पर भागफल जो आया वो 25.86 अंक, 25.86। ये इसकी जो भी वैल्यू है हमारी, औसत जो हमने ज्ञात किया, इसको हम यहाँ प्राप्तांक दिए तो अंक लिख देंगे, इनकम दी हुई है तो रुपए रुपए में, या जो भी चीज दी हुई है इसको जिसमें व्यक्त किया गया है, क्योंकि प्राप्तांक है तो अंक ही होंगे, तो इसी तरह से अगर इनकम दी हुई है तो रुपए में, डॉलर में, या इनमें व्यक्त होगी, तो जो चीज यहाँ क्वेश्चन के अंदर दी होती है उसी को लिखेंगे, रुपए है या अपने प्राप्तांक जो भी है। तो यहाँ क्या चीज है, 25.86 अंक, लगभग 26 अंक जो है एवरेज जो है इन विद्यार्थियों को मिल रहे हैं। टोटल 140 विद्यार्थी हैं, 140 विद्यार्थी का टेस्ट लिया गया जिसमें 0 से 50 के बीच में अंक प्राप्त कर रहे हैं, औसतन प्रत्येक विद्यार्थी 26 अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये केंद्रीय प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी 26 अंक वाले नहीं है, इसमें कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, ये औसत जो है ये केंद्र की प्रवृत्ति को व्यक्त कर रहा है। हमारा औसत कितना हो गया 25.86। तो उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे हमने खंडित श्रेणी में किया, सिर्फ एक ही चेंज है, वो ये कि आपको जो प्राप्तांक दिया हुआ है उसका क्या करना है, मध्य मान ज्ञात करना है इसमें। इसी तरह से दूसरी रीति, हम सेकेंड रीति करते हैं इसमें, हमारी दूसरी रीति जो है वो लघु रीति है, शॉर्टकट मेथड, लघु रीति। हमारे जो शॉर्टकट मेथड है इसको आप अप्रत्यक्ष रीति भी बोल सकते हो, अप्रत्यक्ष रीति ये बोल सकते हो, लघु रीति या फिर अप्रत्यक्ष रीति। अब देखो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, वही तरीका, सबसे पहले क्योंकि इतना क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आपको प्राप्तांक दिए हुए, विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये क्वेश्चन दिया हो और लघु रीति से करना हो तो चाहे किसी भी रीति से करना है, सबसे पहले मध्यमान, मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान हमने ज्ञात कर लिया, इसके बाद में जो हमारी श्रेणी है एक्स, यानी कि जो हमने मध्यमान ज्ञात किया वो, उसमें से आप एक कल्पित माध्य चुनिए। इसमें हमने एक कल्पित माध्य चुना, कल्पित माध्य जो है वो कोई भी चुन सकते हो आप, हम लगभग सेंटर में एक माध्य चुन लेते हैं, जैसे हमने 25 को चुना, गणना में आसानी रहेगी, वैसे कोई भी चुन सकते हो आप, इसमें 30 नहीं है वो भी चुन सकते हो आप, यानी कि इनके बीच में भी कोई चुन सकते हैं आप। डी एक्स डेविएशन लीजिए, वैसे ही एक्स में से हम क्या करेंगे, ए एक्स को घटा देंगे, एक्स में से हमने क्या किया, ए एक्स को घटाया, तो 5 में से 25 घटाया -20, 15 में से 25 घटाया माइनस के 10, ये 0, ये प्लस 10, और 45 में से 25 घटाए प्लस के 20। फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो लघु रीति में फॉर्मूला है वो ये होता है, ए एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला है हमारा जो खंडित श्रेणी में था, जो खंडित श्रेणी का फॉर्मूला था वही हमारा फॉर्मूला जो है अखंडित श्रेणी में भी लगेगा। तो इसके अंदर बस अंतर इतना है कि यहां वर्गांतर दिए होते हैं उसका मध्यमान हम ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे सेम प्रोसेस है जो खंडित श्रेणी में करते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे, वो कर लिया, फिर उसके बाद में उस मध्यमान में से एक कल्पित माध्य चुना, चुन लिया हमने, उससे विचलन लिया, विचलन लेने के बाद, विचलन मतलब जो मूल्य दिए हुए उसमें से कल्पित माध्य को घटाना है, एक्स में से ए एक्स को घटाना है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमने डी एक्स विचलन ज्ञात किया है उसको एफ से गुणा करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमने क्या क्या चीजें चाहिए,
ax चाहिए वो हमने 25 मान ही लिया था, n वही पदों की संख्या कितनी थी 140, पदों की संख्या है 140। अब एक ही चीज चाहिए हमें, पदों की संख्या या आवृत्तियों का योग जो है, ये पदों की संख्या ही होती है, आवृत्तियों का योग जो है समेशन f कितना है 140, कल्पित माध्य हमने कितना माना 25, आप कुछ भी मान सकते हो। तो अगर 35 मानेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, अगर 15 मानेंगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, जो हमने प्रत्यक्ष रीति से किया था वही आंसर, क्योंकि तीनों रीतियों से एक ही आंसर आता है। हमारी पहली रीति थी प्रत्यक्ष रीति, जिससे हमने इसका आंसर निकाला था क्वेश्चन का 25.86 अंक। अब दूसरी रीति हमारी लघु रीति, इसके अंदर कल्पित माध्य हमने ax 25 माना, पदों की संख्या या आवृत्तियों का योग कितना दिया हुआ है 140, और एक ही चीज चाहिए हमें f dx करके उसका योग कर दीजिए। f dx को हमने अभी तक तो हमने dx ही किया है, f dx अब करेंगे हम। dx ज्ञात करने के बाद में आप f dx ज्ञात कीजिए, फिर इसका योग करेंगे हम। f dx कैसे करेंगे, आप dx को संबंधित आवृत्ति f से गुणा कर दीजिए, संबंधित आवृत्ति मतलब अगर -20 की बात कर रहे हो तो संबंधित आवृत्ति 20, -10 इसकी संबंधित आवृत्ति 24, 0 को की संबंधित आवृत्ति कितनी हो गई 40, इनको गुणा कीजिए और फिर इसके बाद में हम इसका योग करेंगे। -20 को 20 से गुणा किया तो -400, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो गुणनफल जो है वो -400 आ गया। इसके बाद में 24 को -10 से गुणा किया -240, ये कितना आ गया 40 को 0 से गुणा किया 0, 36 को 10 से गुणा किया 360 और 20 को 20 से गुणा किया +400। अब गुणनफल करते समय ध्यान रखना, जब गुणा करते हो तो कई बार हम चूक जाते हैं, गुणा इसको करना है इसको कर देते हैं, गुणा इसको करना है इसको कर देते हैं, तो ये ध्यान में रखना ऊपर क्या चीज चाहिए f dx, dx तो ये रहा, इसको किससे गुणा करना है dx को f से गुणा करना है, या f को किससे गुणा करना है dx से गुणा करना है, तो ये हमारा गुणनफल आ गया। इसके बाद में इस गुणनफल का योग कर दीजिए, कैसे करेंगे, माइनस के जोड़ लीजिए 640, प्लस के जोड़ लीजिए ये कितना है 760, इसका योग किया समेशन f dx, तो योगफल जो है वो कितना बन जाएगा इसमें 760 में 640 कटाया तो ये प्लस वाले मान ज्यादा है तो प्लस के 120 ये आ गए, तो प्लस 120। इस तरह से आप जो है x बार बराबर 25 प्लस 120 अपॉन 140 इसको हल करेंगे तो वही हमारा आंसर 25.86 जो प्रत्यक्ष रीति से किया था वही आएगा। अब आप इसको 0 से 0 जीरो को जीरो से काट भी सकते हो या सीधा 120 में 14 का 120 में 140 का भाग दे दीजिए, या फिर जीरो से जीरो काटते हो तो 12 में 14 का भाग दीजिए, ठीक है 12 में 14 का भाग देंगे तो x बार बराबर 25 प्लस वही 0.86 आएगा, x बार बराबर कितना हुआ 25.86 अंक। तो इस तरह से चाहे आप लघु रीति से क्वेश्चन कीजिए या प्रत्यक्ष रीति से क्वेश्चन कीजिए, आपका आंसर जो है वो समान आएगा। पद विचलन रीति से हम आगे करेंगे, उसका आंसर भी उतना ही रहेगा 25.86। तो तीनों रीतियों से किसी भी रीति से कीजिए आंसर ये आएगा। इसके अंदर देखो तो यहाँ 0.86 120 में 140 का भाग दिया तो हमारा 25.86 ये आंसर आ गया। इसी तरह से थर्ड, अब हम थर्ड रीति करते हैं, तीसरी रीति जो है हमारी समांतर माध्य में सतत श्रेणी के अंदर कह रहा हूं, तीसरी रीति सतत श्रेणी में तीसरी रीति कौन सी है, पद या पग विचलन रीति। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो फिर हम उस फॉर्मूले को देखकर ही क्वेश्चन कर सकते हैं, टी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, लगभग वही फॉर्मूला है हमारा, थोड़ा सा चेंज है इसमें, इसमें डैश लगा है और इंटू आई है। डैश क्यों लगा है, क्योंकि वही है कल्पित माध्य आवृत्तियों का योग, ये वर्गांतर है आई, यानी कि इसका अंतर कितना है, तो इस सीरीज के अंदर अंतर जो है वो 10-10 का है तो आई का मान 10 है। अब एक चीज जो यहाँ अलग जो है वो ये डी डैश एक्स है, वहां तो सीधा डी एक्स था, यानी कि एक्स में से हमने ए एक्स को घटाया, डैश का मतलब है कि इसमें आई का भाग भी देना है, बस यही अंतर है। अब देखो सेम क्वेश्चन होगा उसी तरह से,
आपको इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको कह दिया जाए कि पग विचलन रीति से क्वेश्चन करो, आपको इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तो हमने बाद में किए थे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस दिए गए वर्गांतर में से प्रत्येक वर्गांतर में से मध्यमान ज्ञात करेंगे, मिड वैल्यू ज्ञात की हमने, मध्यमान उसी तरह से L1 plus L2 upon 2 आगे भी इसी तरह से करेंगे, मध्यमान 5, 15, 25, 35, 45 किया गया। फिर हम क्या करेंगे, अब जो चेंजेस है वो ये है कि वहां तो हमने डी एक्स जब किया था उस रीति में तो एक्स माइनस ए एक्स था, लेकिन ये डैश है मतलब आई का भाग भी देना है, अब कैसे करेंगे, अब देखो प्रत्येक इसी में 10-10 का भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, मान ये आ जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, देखो एक्स का मान कितना है, ये एक्स का मान 5, ए एक्स कितना माना हमने 25, और अपॉन आई कितना है 10, तो देखो हल करेंगे तो -20 में 10 का भाग दिया माइनस के 2 आ गए। इसी तरह से अगला मान 15, एक्स का मान कितना है 15, ए एक्स कितना है 25 और वर्गांतर कितना है 10, तो वर्ग का अंतर है वो 10 है उसका भाग दिया तो 15 में से 25 घटाए तो -10, -10 में -10 का भाग दिया कितना आया माइनस का 1। इसी तरह से 25 माइनस 25 बटा में 10 तो 0 में 10 का भाग दिया 0। इसी तरह से 35 माइनस 25 अपॉन 10 तो ये 35 में से 25 घटाया तो प्लस का 10, उसमें 10 का भाग दिया तो 10 में 10 का भाग दिया तो प्लस का 1 आ गया। इसी तरह से 45 माइनस 25 बटा 10 तो 45 में से 25 घटाए माइनस प्लस के कितने हुए 20, प्लस 20 में 10 का भाग दिया प्लस के 2। इस तरह से डी डैश एक्स जो है वो एक्स माइनस ए एक्स अपॉन आई ये रहेगा हमारा। अब देखो डी डैश एक्स जो है उसको किससे गुणा करेंगे हम, बाकी सब तो मान आ गए, ए एक्स जो आपने कल्पित माध्य माना वह एन वही आवृत्तियों का योग जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया, आई हम बार बार कर रहे हैं, आई कितना है 10-10 का अंतर है तो बटा में हमने 10 किया है तो इंटू आई जो है वो 10 है। अब एक ही मान रह गया वो ये है, इसको ज्ञात कर लीजिए, डी डैश एक्स हमने ज्ञात किया, अब इसको संबंधित आवृत्ति से गुणा कर दीजिए, यानी कि एफ को गुणा किया डी डैश एक्स से, डी डैश एक्स जो है हमारा कौन सा था ये, इसको आवृत्ति एफ से गुणा किया तो 20 को -2 से गुणा किया कितना आया, 20 को -2 से माइनस के 40, यहां 24 को -1 से गुणा किया -24, यहां 40 को 0 से किया 0, 36 को 1 से किया 36 और 20 को 2 से किया 40। अब इसका योग चाहिए हमें, समेशन एफ डी डैश एक्स इसका योग चाहिए, कितना योग है देख लीजिए, माइनस के जोड़ लीजिए, माइनस के 64 है और प्लस के जो है वो 76 है, यानी कि प्लस के 12 बच गए, तो इसका योग जो होगा वो प्लस 12 रहेगा, क्योंकि प्लस का जो मान है वो ज्यादा है माइनस का कम है, तो चिन्ह जो है वो ज्यादा वाली संख्या का रहेगा और जो ज्यादा वाली संख्या उसमें से कम संख्या घट जाएगी, तो कितना है प्लस 12। अब मान रख दीजिए इस सूत्र में हमने मान रखा, इस फॉर्मूले में ax कितना है 25 प्लस स्मेशन एफ डी डैश एक्स कितना है, यहां हमने ज्ञात किया प्लस 12 बटा में n, ये पदों की संख्या कितनी है यानी कि आवृत्तियों का योग कितना है 140 हो गया इनटू i कितना है 10। अब देखिए x बार बराबर 25, चाहे तो आप 12 में 140 का भाग दे दीजिए या फिर आप इस 0 से 0 को काट भी सकते हो क्योंकि गुणा में, तो 12 में 14 का भाग दिया क्योंकि अब क्या बच गया 12 बटा 14, 0 से 0 कट गई। अब इसके बाद में वही जो हमने पीछे अपने खंडित श्रेणी के अंदर इसी के अंदर हमने जो लघु रीतिक से क्वेश्चन किया था उसमें भी यही आया था लास्ट, तो एक्स बार बराबर 25 प्लस 0.86 अंक, तो आप चाहे तो प्रत्यक्ष रीति से क्वेश्चन कीजिए तब भी इतना आंसर आएगा, लघु रीति से कीजिए तब भी यही आंसर आएगा, और चाहे आप पग विचलन रीति से कीजिए तब भी हमारा यही आंसर होगा। इस तरह से हमारा जो मेन जो समांतर माध्य वो तो कंप्लीट हो चुका है, ये कंसेप्ट है इसके अंदर।
हालांकि इसमें भी आगे स्थितियां और हो सकती हैं, कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हो सकते हैं, अलग कोई औसत जो है उसमें सामूहिक समांतर माध्य का क्वेश्चन हो सकता है। तो जो भी हमारे सिलेबस में समांतर माध्य से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा वो हम आगे करेंगे। बेसिक जो है ये रीतियाँ थी, व्यक्तिगत श्रेणी में दो, प्रत्यक्ष और लघु रीति, खंडित श्रेणी में दो, प्रत्यक्ष और लघु रीति। हालांकि खंडित श्रेणी में भी इस रीति का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई औचित्य नहीं है। हम जो अखंडित श्रेणी है उसी में पद विचलन का करते हैं, खंडित में कर सकते हो लेकिन उसका औचित्य नहीं बनता, क्योंकि वहाँ वर्गांतर दिए नहीं होते। वहाँ तो जैसे 10, 20, 30, 40 उस तरह से दिए होते हैं, ये वर्गांतर नहीं दिए होते। खंडित श्रेणी में ऐसे क्वेश्चन दिया होता है तो खंडित श्रेणी में फिर पग विचलन रीति जो है करने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि कर सकते हैं, आवश्यकता नहीं है इसमें। तो इस तरह से ये हमारी रीति हो गई। मैं एक चार्ट में आपको एक बार वापस डिटेल से जो सिर्फ सूत्र सूत्र है वो बता देता हूँ किस तरह से हमें करना है। ये तो हमने तीन सीरीज की थी। सबसे पहले जैसे व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी समांतर माध्य की बात कर रहा हूं मैं, इसके बाद में खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी, और फिर है अखंडित यानी कि सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी हमारी इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज, ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है, तीन सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। हमने प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति यानी कि ये अप्रत्यक्ष रीति हो गई, ये हमारी डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड, ये हमारी शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड, और एक है हमारी तीसरी पद विचलन रीति, इसको कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो जब आप व्यक्तिगत श्रेणी में करते हो तो आवृत्ति होती नहीं उसमें, उसमें दो रीतियों का प्रयोग करते हैं, एक प्रत्यक्ष एक लघु। प्रत्यक्ष रीति में हमारा फॉर्मूला था ये, प्रत्यक्ष रीति में समेशन एक्स अपॉन एन। लघु रीति में हमने फॉर्मूला कौन सा किया, ए एक्स प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, आवृत्ति नहीं है इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में। जब आप खंडित श्रेणी करते हो तो एक्स बार, इसमें आवृत्ति भी शामिल हो जाती है, और एन का मतलब यहां समेशन एफ से, ध्यान रखना यहां तो सिर्फ पदों की संख्या होगी, यहां आवृत्तियों का योग होगा। अच्छा, इसमें इसी सूत्र के अंदर हमने एफ से गुणा और कर दिया, वही सूत्र है, इसमें भी ऐसा ही एक्स बार बराबर ए एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि व्यक्तिगत श्रेणी में आवृत्ति नहीं होती तो हमने सीधा समेशन डी एक्स कर दिया, इसमें आवृत्ति होती है तो एफ से गुणा कर दिया हमने। यही फॉर्मूला इसमें भी रहेगा, एक्स बार बराबर समेशन एफ एक्स अपॉन एन, और इसमें ए एक्स प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ये फॉर्मूला। यानी कि खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में चाहे आप प्रत्यक्ष रीति से कर रहे हो या लघु रीति से, दोनों के एक ही सूत्र है, बस एक अंतर होता है कि इसमें मूल्य दिए होते हैं, सीधे एक्स दिया ही होता है, इसमें वर्गांतर दिया होता है, तो यहां हमें मध्यमान ज्ञात करना पड़ता है, ये ध्यान में रख लो, यहां हमें मध्यमान ज्ञात करना पड़ता है, बाकी सूत्र वही है। मध्यमान जब ज्ञात कर लोगे तो फिर ये डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही होगा। अब व्यक्तिगत श्रेणी में पद विचलन रीति होती नहीं, ठीक है ना, यहां ये रीति है नहीं। खंडित श्रेणी में होती है, कर सकते हो आप, लेकिन यहां इसका औचित्य नहीं बनता, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, यहां नहीं करेंगे हम पद विचलन रीति का प्रयोग अखंडित श्रेणी के अंदर ही करेंगे। अखंडित श्रेणी में देखो एक्स बार ए एक्स प्लस समेशन एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई, ये फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से यहां जो हमने
ऊपर ये जो लघु रीति का सूत्र किया था ए एच प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन वही है, सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ डी एक्स क्या था, एक्स में से ए एक्स कट आया था, जबकि यहाँ डी डैश एक्स है, इसका मतलब एक्स में से ए एक्स तो घटाना ही है, अपॉन आई भी करना है। ये सारा कंप्लीट हमारा समांतर माध्य हो गया। व्यक्तिगत श्रेणी की दो रीतियां, खंडित श्रेणी की दो रीतियां और अखंडित श्रेणी की हमें तीन रीतियां करनी है। समांतर माध्य का टॉपिक क्लियर है। अब इससे संबंधित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसके अंदर। थैंक्स।